नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टैक इन हिंदी। दोस्तों आज है 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर से 3 मेजर रूल्स हैं जो अपने इंडिया में चेंज होने वाले हैं। तो आज हम उन चेंजेस के बारे में जानेंगे कि 1 दिसंबर 2023 से जो कौन कौन से जो 3 नियम हैं वो बदलने वाले हैं, और उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, हर साल हर नया महीना एक बदलावों को लेकर आता है, और दिसंबर महीना आज से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में यह महीना भी कई बदलावों को लेकर आ रहा है जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। एक नागरिक होने के नाते आपको दिसंबर महीने में होने वाले इन बदलावों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो बैंकिंग से लेकर कई सेक्टरों में इस महीने की शुरुआत में कई बदलावों को लागू कर दिया गया है। इसके अलावा सिम कार्ड से जुड़े नियमों और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हुए हैं जिनका आपके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। तो इसी कड़ी में आइए जानते हैं 1 दिसंबर से लागू हुए इन नए बदलावों के को विस्तार से। तो पहला बदलाव है दोस्तों, बैंक लोन से जुड़े बदलाव। तो बैंक लोन से जुड़ा क्या बदलाव हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज यानी 1 दिसंबर से बैंक लोन से जुड़े नियमों में कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। और बदले गए इन नियमों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपने होम लोन को चुका देता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई होम लोन लिया है और वो पूरा लोन जो रीपे कर दिया है, इस स्थिति में बैंक को 1 महीने के भीतर प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को लौटाना होगा। और अगर बैंक व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को लौटाने में देरी करता है तो इस स्थिति में बैंक को 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब दोस्तों पूरा मैटर क्या है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक से होम लोन लेता है तो बैंक उस व्यक्ति के मकान के जो कागज़ हैं उनको गिरवी रख लेता है, उसके बदले में वो होम लोन देता है। और जब वो व्यक्ति पूरा लोन पे कर देगा तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बैंक को उस व्यक्ति को लौटाने होते हैं, जिनमें बैंक क्या करते हैं कि कई महीनों तक देरी कर देते हैं बैंक के जो जो मकान के डॉक्यूमेंट हैं उन्हें वापस करने में। तो अब आरबीआई ने ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रूल निकाला है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना होम लोन पूरा पे कर दिया है तो उसके मकान के जो डॉक्यूमेंट हैं बैंक को 1 महीने के अंदर अंदर वापस करने होंगे, और अगर वो ऐसा बैंक नहीं करती है तो बैंक को 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि। दोस्तों दिसंबर महीने की शुरुआत में एक बार फिर से वाणिज्यिक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई है, और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 21 रुपये तक की वृद्धि की गई है। नई दिल्ली में अब यह सिलेंडर 1796 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को जो एलपीजी गैस है जो उसके रेट हैं वो रिवाइज होते हैं, तो 1 दिसंबर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स के रेट को रिवाइज किया गया है और उसमें 21 रुपये की वृद्धि हुई है। और अब ये दोस्तों नई दिल्ली में 1796 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर मिलेगा। अब जानते हैं अगला नियम। अगला है दोस्तों सिम कार्ड से जुड़ा नियम। तो सिम कार्ड से जुड़ा क्या नियम है दोस्तों? आज यानी 1 दिसंबर से सिम कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। इस नियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बिना केवाईसी की प्रक्रिया के सिम कार्ड को बेचता है तो ऐसे में उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये नियम इसलिए निकाला गया है कि बहुत सारे जो सिम बेचने वाले हैं वो गलत लोगों को सिम बेच देते हैं, जिससे जो आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके की सिम से हो रहे हैं। तो अब दोस्तों सरकार ने ये नियम निकाला है कि अगर कोई दुकानदार सिम कार्ड बेचने वाला बिना केवाईसी के अगर वो सिम कार्ड किसी को दे देता है, बेचता है, तो उस कंडीशन में उस दुकानदार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको इन तीनों में से कौन सा नियम प्रभावित करता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।